गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 कराने जा रही हूँ बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले कुछ आप इस चैप्टर के बारे में आप समझ लो कि इस चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ें क्या समझनी है। अगर वो चीज़ समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप चीज़ें समझ लो कि ये 6 नाम हैं जो आप याद कर लो। पहला है, देखो, अब ऐसे ही सीरियल वाइज याद करना, आगे पीछे नहीं, सीरियल वाइज। कैसे? देखो, साइन कॉस टेन, इसको बोलते हैं थीटा, है ना। साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक, है ना। सीरियल वाइज आप इनको ऐसे नाम याद रखो। कैसे? फिर से सुन लो। देखो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक, है ना। ये 6 नाम हैं। अब देखो, ये जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है, ये हमेशा समकोण पर लागू होता है। अब समकोण में क्या क्या होता है, समकोण में समझ लो कि जैसे देखो, ये आपका समकोण है। समकोण का मतलब जो 90 डिग्री का हो, है ना। इसमें जो ये कोण के सामने वाली भुजा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। ये आपके कोण की हो, ये इसकी सबसे लंबी भुजा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। ये आपके सामने की भुजा है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से ये वाला आपका हो गया, इसको आप बोलोगे लंब, और ये नीचे हो गया आधार। इन दोनों में अगर हम इसको देखो आधार लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और इसको लंब लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, है ना। लेकिन कर्ण हमारा क्या है, इसके सामने वाली भुजा, ये हमारी कर्ण हो गई। अब आप देखो और इसमें क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी एच से डिनोट करते हैं इसको। ये लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और आधार को बोलते हैं बेस, जिसको बी से डिनोट करोगे। आप इंग्लिश में नाम याद रखना, क्योंकि अगर आप आगे आगे मैथ्स लोगे तो मैथ्स आपकी इंग्लिश में चलती है, इसलिए आपको इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, है ना। क्या है, फिर से समझ लो, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये आपका आधार हो गया, ठीक है। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। अब आप और चीज़ें देखो, जैसे मान लो आपके पास लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो आप इसको लंब और आधार दिया है तो कर्ण आप पाइथागोरस से निकाल लोगे। वैसे ही अगर आपके पास कर्ण आधार दिया है तो आप लंब को पाइथागोरस से निकाल लेना। सेम वैसे ही कोई भी दो चीज़ दी होगी तो तीसरी चीज़ हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, है ना। अब और चीज़ देखो, इसमें और समझने वाली चीज़ क्या है, एक आप मंत्र याद कर लो। मंत्र क्या है, ये फॉर्मूला है, लेकिन आप इसको मंत्र, जो मैंने बोला ना परपेंडिकुलर है, देखो पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, और एच मीन्स हाइपोटेनियस। अब आप एक नाम याद कर लो कि अगर ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे, है ना। बस इसको ऐसे याद रखो, बोलो पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, और पी से प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फिर से समझो, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्या ये मंत्र आपको हो गया, ये हमने क्यों याद कराया, तो देखो इसको ऐसे समझो, मैंने पहला आपको बोला साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए ये पहला वाला आप ले लो, यानी पी अपॉन एच, ये हमारा क्या हो गया साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो गई पी अपॉन एच, है ना। कैसे पी अपॉन एच, देखो पी का मतलब, अभी मैंने इसमें, अब इससे देखो, पी का मतलब ये परपेंडिकुलर, और एच का मतलब आपका हाइपोटेनियस, यानी साइन की वैल्यू कितनी हो गई पी अपॉन एच। अब जस्ट उसका उल्टा देखो, नीचे साइन, फिर मैंने बोला ना कॉस, कॉस के लिए बी अपॉन एच। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में साइन की वैल्यू हो गई पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एच, यहाँ लिख दो देखो बी अपॉन एच। फिर टेन की वैल्यू पी अपॉन बी, यहाँ पर देखो पी यानी परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, ये हो गई। फिर यहाँ से देखो कॉट, है ना, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जस्ट इसका नीचे से उल्टा, यानी बी और पी, यहाँ लिख दो कॉट की वैल्यू, देखो ये नीचे है ना, अब इस बार नीचे से उल्टा कर लेना बी पी, तो यहाँ लिख दो बी, और ये हो गया हमारा बी। फिर दूसरा सेक की वैल्यू हो जाएगी, सेक की वैल्यू हमारी एच और बी, यहाँ देखो सेक की वैल्यू हो जाएगी एच और बी, और ऐसे ही कॉसेक की
H और P, मतलब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी आपकी sec की वैल्यू हो जाएगी H और P। अब इसको आप नंबर से समझ लो कि इसको नाम से, हिंदी के नाम से भी समझ लो क्या कहते हैं, क्योंकि देखो ये पहला वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो P का मतलब, P को हम इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। और H का मतलब हाइपोटेनियस, यानी इसको बोलते हैं कर्ण, हो गया आपका, है ना, ये कर्ण। दूसरा यहां पर देखो B मतलब आधार, और H मीन्स कर्ण, फिर यहां पर P मीन्स लंब, B मीन्स आधार, यहां पर फिर देखो B मीन्स आपका आधार, B यानी बेस ना, तो B मीन्स आधार, P मीन्स लंब, यहां पर H मतलब कर्ण, और B मीन्स आधार, फिर H मीन्स कर्ण और P मीन्स लंब। ये सारे आपके इसके फॉर्मूले हैं, है ना। जैसे साइन को आप कैसे बोल सकते हो, आप लंब बटे कर्ण बोल सकते हो, है ना, कॉस को बोल सकते हो आधार बटे कर्ण, टैन को बोल सकते हो लंब बटे आधार, कॉट को बोल सकते हो आधार बटे लंब, सेक हो गया आपका कर्ण बटे आधार, और कॉसेक हो गया कर्ण बटे लंब, है ना। अब देखो क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने। क्वेश्चन में बोला है देखो कि त्रिभुज, ये सिंबल त्रिभुज का है, त्रिभुज ए बी सी, है ना, में जो कोण आपका बी है वो 90 डिग्री का है। अब इसमें देखो जैसे हमने एक एंगल बना लिया, यहाँ पर ये हमने एक एंगल बनाया, यहाँ इन्होंने बोला ये जो बी है हमारा, बी यानी यहाँ पर ये 90 हुआ ना, तो यानी इन्होंने बी बता दिया आपको पहले कि ये आपका 90 है, तथा साइन ए बराबर कितना है 3/5 है, तो ए के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, शेष कौन कौन से, वही साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक, आपको ये सारे ज्ञात करने हैं। अब देखो दिया कितना है आपके पास, एक दो हल, साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ देखो साइन थीटा बराबर, थीटा यानी कोण होता है ना, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है इन्होंने। अब पहले आप देख लो साइन थीटा होता क्या है, तो बताया ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में से, देखो पहली ये साइन की वैल्यू हो गई ना, P/H यानी P/H यानी लंब बटे कर्ण, तो यहाँ दिख लिख लो देखो, तो ये साइन की वैल्यू हो गई आपकी P/H। अब P की वैल्यू और दिया कितना है, थीटा कितना दिया है बेटा, थीटा हमारे पास दिया, और देखो थीटा की साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है ना, ए का मतलब थीटा यानी कोण, तो आप यहाँ देखो यहाँ आपने थीटा बना दिया, यानी इसको आपने कोण ले लिया, क्योंकि इन्होंने इसी कोण की वैल्यू बोली है ना। तो अब इसके सामने की भुजा यानी आपकी जो बी सी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, और आपके पास ए सी आपका कर्ण है, और ये आपका ए बी जो हो गया वो आधार हो गया। अब इन्होंने इसकी वैल्यू दी कितनी है वो लिख दो, यहाँ दी हुई है 3 और यहाँ पर दी हुई है 5, यानी पी मतलब लंब, इसमें कितना है, ये आपका लंब है ना, तो लंब को हमने लिख दिया 3, और H यानी हाइपोटेनियस, H हमारे पास यहाँ पर 5 है। आपको आधार निकालना है, आधार आप पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका आधार निकाल लो, यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है आपका, देखो ये हमेशा इसी रूप में लिखा जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर जो जो इसका आपने नाम दिया ए बी सी है, तो लिख दो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी का स्क्वायर, देखो ये कर्ण है ना, कर्ण हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर, और आधार है हमारा ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो आधार बराबर हो गया आपका ए बी, आधार हमारे पास ये कैसे है, क्योंकि ये थीटा ए है ना, तो आधार हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर, प्लस लंब है हमारा बी सी का स्क्वायर, ये वाला आपका लंब हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो ए सी हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर, ए बी यानी आधार नहीं है ना, तो ए बी को वैसे ही लिख दो, और बी सी है हमारे पास
तीन का स्क्वायर, बीसी यानी लंब। ए बी को बाहर निकाल लो, ए बी बाहर निकाल दिया तो ये अभी देखो ये पाँच का स्क्वायर हो गया। पाँच का स्क्वायर का मतलब पाँच को पाँच से मल्टीप्लाई करो तो पाँच का स्क्वायर हो गया 25, और जब इसको प्लस का है ना इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 3 9। अब यहाँ पर देखो ए बी बराबर कितना हो गया, ये जो यहाँ से स्क्वायर है ये आपका यहाँ अंडर रूट में स्क्वायर लग जाएगा, और 25 में से आपका 9 माइनस हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। 16 होता है आपका 4 का वर्ग, क्योंकि 4 4 16 होता है ना। तो ए बी बराबर हो गया आपके पास 4, यानी आधार कितना मिल गया हमें 4 मिल गया। अब इन्होंने बोला इसके सारे मान ज्ञात करने, तो सारे मान में मैंने आपको बताया था ना पहला क्या होता है, देखो ये सारे होते हैं ना कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन्हीं के 6 के 6 मान लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लो। पहला है हमारे पास साइन, तो साइन अब सब पे थीटा ए ही रहेगा आपका है ना, साइन थीटा की वैल्यू तो इन्होंने खुद ही दी है तो लिख दो आप 3/5। दूसरी साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है आपके पास, देखो कॉस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच, बी कितना है हमारा 4 और एच है हमारा 5, ये हो गया है ना। फिर साइन कॉस और टैन, देखो टैन थीटा आपके पास, टैन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ देखो पी की वैल्यू 3 है ना, पी लंब है 3 हो गई, और बी की वैल्यू है हमारी 4 ऐसे इधर। फिर कॉट, देखो कॉट थीटा बराबर कॉट होता है आपका बी अपॉन पी, तो बी है हमारा 4 और पी है हमारा 3। फिर sec, sec थीटा, sec होता है हमारा h और b, h है 5, b है हमारा 4। cosec देखो cosec की वैल्यू होती है h और p, h है हमारा 5 और p हमारे पास है 3 है ना। यही सारे इसके मान की वैल्यू हो गई बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं नगीन प्रकाशन का सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।